अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत सारी रेसिपी इन वन डे। तो मैं ज़हर की नमाज़ पढ़ के किचन में आके बनाना स्टार्ट कर दिया था, और पिज़्ज़ा तो मैंने इतनी जल्दी बैक कर दिया था कि जब तक रोज़ा खुलने का टाइम आया तो बहुत ज़्यादा वो हो गए थे, ड्राई हो गए थे। तो फिर मुझे वापस इसको गर्म करने पड़े अपने लिए, बाकी बांटने के लिए तो मैंने बांट दिए क्योंकि मुझे सबको देना था। और मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि दो लोगों के घर के जमा हो गए तो उनको देना है, तो बस ये आखिरी फिर अब उससे नहीं होगा इतने सारी डिशेस, क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो चुका था तो सब कुछ प्रिप करना था। रात में गैस चले जाती है और कल तो लाइट भी चले गई थी, तो रात में कुछ भी नहीं किया, सब कुछ ज़हर के बाद रोज़े में किया, और रोज़े में हमें टेस्ट का पता नहीं चलता है। तो बस अंदाज़ा तुक्का ले मारा मैंने। तो यहाँ पर बना रही थी मैं मिनी पिज़्ज़ा। तो मिनी पिज़्ज़ा में मेरे साथ ये हुआ कि मैंने ये बना लिया, फिर मैंने कहा मैं इसे बैक करने के लिए रख देती हूँ। मैंने बहुत जल्दी बैक कर दिए थे, तो बेकिंग और फ्राई वाली कोई भी मैंने वो नहीं बनाई वीडियो, क्योंकि फिर आपको पता टाइम बहुत कम होता है रोज़ा खुलने के टाइम पे, और फिर इतनी भागम दौड़ी हो गई थी क्योंकि मैं रातें हैं नमाज़ पढ़ के और फिर वो सो जाते थोड़ी देर। फिर मैं बना भी रही हूँ और बांटने भी जा रही थी, बिल्डिंग वगैरह में यहाँ वहाँ उधर हो रही थी, इधर हो रही थी, ऊपर नीचे जा रही थी, क्योंकि एक हाथ में एक ही ट्रे पकड़ के जा सकती हूँ। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा भागम दौड़ी हो गई थी, इस वजह से मैं 4 बजे में ही मैंने फ्राई और बेकिंग वगैरह करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब 4 बजे, हाँ 4 बजे मैंने पिज्ज़ा बनाने के लिए रख दिया था। फिर मैंने असर की नमाज़ वगैरह पढ़ी और फिर मैंने फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि फिर जब किचन में घुसते ना टाइम ऐसे भागता है, रोज़े का टाइम ऐसे भागता है, असर के बाद तो टाइम आता ही नहीं है हाथ में। तो मुझे साथ में पकोड़े भी रखने थे, फिर पकोड़े नहीं बन पाए थे। तो यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा का एक गलती कर दी थी कि मुझे एंड टाइम पे इसको बेक करने थे, बट अब मैंने वो स्टार्टिंग में ही बेक कर दिए। अच्छा, आपको लॉन्ग टाइम के लिए अगर पिज़्ज़ा को सॉफ्ट करना हो ना, तो आप उसमें एक अंडा ज़रूर डाला करें, क्योंकि आपका लॉन्ग टाइम के लिए आपका पिज़्ज़ा जो होगा वो सॉफ्ट बनेगा, बिल्कुल ऐसा बनेगा जैसे बहुत सॉफ्ट बनेगा। फ्रिज में रख के भी खाएंगे ना तो आपको इतना मज़े का लगेगा। तो मैंने अंडा नहीं डाला था इसमें कल, वरना अंडा डालते तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है इसकी डो। अगर आपको एट टाइम ही खाना है तो फिर आप अंडा ना डालें, बट अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए रखना है तो उसमें या तो दही या तो अंडा ज़रूर डालें, बहुत सॉफ्ट होते हैं इससे। जब मैंने डो बना रात को ही बना के फ्रिज में रख दी थी, मतलब रात को ही मैंने बना के इसको आटा गूंथ लिया था पिज़्ज़ा का और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। मैं इसके गोल गोल कटिंग्स कर रही हूँ। गोश्त उठने के साथ मैंने गोश्त को गलाने के लिए रख दिया था। मैंने बारबेक्यू पिज़्ज़ा बनाया तो उसके टिक्का बोटी वाले, तो मैंने उसको गोश्त को पहले से ही गलाने के लिए उसको रख दिया था उठने के साथ। पहले ये मैंने काम किया, फिर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी तो ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए, और फिर इसको मैंने पूरा वो रेशा बोटियों कर लिया था, क्योंकि मिनी पिज़्ज़ा होते हैं तो उसमें कभी कभी मैं बोटियाँ डालती हूँ, कभी कभी रेशा डालती हूँ, मुझे रेशा ज़्यादा पसंद है। तो जैसे मैंने कहा कि बांटने के लिए, तो रेशा वो क्या होता है, रेशा बोटियों का हर जगह फैला हुआ होता है, बिहारी बोटी की तरह हर जगह फैला हुआ होता है। और बोटियाँ क्या होती हैं, मिनी पिज़्ज़ा में 1 से 2 जाती हैं, इससे ज़्यादा 2 से 3, इससे ज़्यादा हम नहीं रख सकते, बहुत छोटी छोटी करो तो वो 3-4 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा मैं यहाँ पर चीज़ को अच्छी तरह से वो कर रही थी, तो प्लेट में रख के कर रही थी तो प्लेट बार बार स्लिप हो रही थी, तो मुझे बहुत जल्दी थी, बहुत जल्दी मेरे हाथ है ना मशीन की तरह चल रहे थे, क्योंकि घर का कोई काम नहीं हुआ था और मैं सिर्फ कुकिंग के लिए किचन में आई थी। और मैंने कहा बस ये लास्ट है, अब तो मैं अपने लिए भी 10 रोज़ों में थोड़ा थोड़ी कुछ ना कुछ बनाऊँगी, बट टू मच कुछ भी नहीं करूँगी, अब एक एक सिंगल सिंगल चीज़ बनाऊँगी जो बनाते हैं हम एज़ यूजल। अब बस 10 रोज़ रह गए रमज़ान के जाने का, मुझे बड़ा दुख होता है, सबको ही होता होगा, क्योंकि रमज़ान जाती है इतना अजीब सा फीलिंग आती है, वो एक रूटीन ऐसे बन जाती है जैसे हमेशा से हमारी ऐसी रूटीन थी। नमाज़ें तो छूटती नहीं है किसी भी हाल में, कितने भी काम कर लो नमाज़ तो पढ़नी मस्ट हो गई है, जैसे हमारे टाइम टेबल में नमाज़ हमने ऐड कर दी कि वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, हमें पढ़नी है, कुछ भी हो जाए, कितना भी टाइम हमारा काम में निकल जाए, हमें वज़ू करना है और नमाज़ पढ़नी, और अपने आप को पाक रखने की भी हम कितनी रमज़ान में कोशिश करते हैं कि बच्चों से भी दूर नहीं, बच्चों को भी पाक साफ़ ही, मतलब रमज़ान
की एक अलग से ही, हम मुसलमान बन के जो निकलते हैं ना, निखरते हैं ना, उसकी तो बात ही अलग होती है। अच्छा, यहाँ पर मैं डाली थी बारबेक्यू सॉस, और बारबेक्यू सॉस मैंने यहाँ पर डाली, ऐड की, और इसके बाद मैंने ये जो बिहारी बोटी है मैंने आपको बताया था बनाई हुई थी, उसके ऊपर वो मैंने पूरा छिड़क दिया अच्छी तरीके से। और इसके ऊपर बस मुझसे गलती हो गई, मैंने अंडा नहीं डाला था क्योंकि मुझे बहुत जल्दी बैक कर लिया था, मुझे लग फूले बहुत अच्छे थे बट वो थोड़ा च्युइंग करने में वो हो रहे थे कि मतलब सख्त जैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़े वो हो गए। बाकी अंडा डालते हैं ना तो बड़े मज़े के बनते हैं। एक दफ़ा मैंने अंडा डाला था तो मैंने फ्रिज में रख दिए थे, फिर इसके बाद मैं रात को 2-3 बजे जो मैं आत्मा बन के उठती हूँ मैंने खाए थे, बड़े नरम नरम होते हैं। अंडा या दही मस्ट यूज़ करें अगर आप बना रहे हैं तो यहाँ पर। और जब भी मैं कुछ बांटने के लिए बनाती हूँ ना तो गड़बड़ होना तो मेरा बनती ही बनती है, अपने लिए बनाती हूँ तो बड़े मस्त बनते हैं, और जब मैं किसी को बांटने के लिए स्पेशल किसी की डिमांड पे कोई चीज़ बनाती हूँ ना तो मुझसे ऐसी गड़बड़ होती है कि ना पूछें आप। मुझे खुटके भी होते हैं कि अब तो कुछ होगा गलत, अब तो कुछ होगा गलत। और मुझे अपनी सास के घर भिजवाना होता है ना तो मैं क्या कर लेती हूँ, मैं पहले से ही बैक करके बच्चों को चखा रही होती कर रही होती कि बिल्कुल, मतलब मुझे वो होता है कि मैं भेजूँ तो सही से परफेक्ट वाली चीज़ को, जैसे ना नमक बहुत ज़्यादा हुआ हुआ और कुछ ज़्यादा, तो थोड़ा मुझे बहुत ज़्यादा वो कॉन्शियस हो रही होती कि मेरा हर चीज़ परफेक्ट हो, मैं हर चीज़ परफेक्ट करके भेजूँ। यहाँ पर मैं इसकी सॉस बना रही थी, सॉस बनाने के लिए आपको अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट है तो आप यूज़ कर लें, मेरे पास मस्टर्ड पेस्ट नहीं था, ख़त्म हो चुका था, इस वजह से मैंने यूज़ किया यहाँ पर केचप, मेयोनीज और थोड़ी सी बारबेक्यू सॉस डाल दी। और अब मैं इसको इस तरीके से इसका पाइपिंग बैग बना लूँगी, हालांकि मेरे पास हैं बट वो मेरे पास वो नोजल्स वाले हैं, मुझे नोजल्स वाले नहीं चाहिए थे, मुझे बिल्कुल बारीक साइज का करना था। तो इस तरीके से इसके ऊपर आपने लगा देना है और इसका टेस्ट अच्छा आता है, इसका टेस्ट अच्छा आता है, बस गड़बड़ जो हुई ना मुझे वो इसमें पिज्ज़ा में फूले बहुत अच्छे थे, पर बहुत मैंने 4 बजे बैक हो गए थे, 4:30 बजे रेडी हो गए, तो 4:30 बजे से ये पड़े 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 पड़े। और फिर जब बांटने का टाइम, और जब मैं रोज़ा खोलने बैठी तब मुझे पता चला क्या गड़बड़ है क्या गड़बड़ नहीं है। तो यहाँ पर मैंने सारे पिज्ज़ा रेडी कर लिए थे, तकरीबन जितने भी आपके सामने बने हुए ना उतने सारे रेडी हो गए थे, और अब इनको मैं रख दूंगी साइड पे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो इसके बाद मैं बना रही थी तंदूरी चिकन रोल, तो इसका भी मसाला मैंने चिकन पर मसाला लगा के तंदूरी चिकन का मसाला लगा के शान का मैंने फ्रिज में रख दिया था, और फिर सुबह होते ही मैंने जल्दी जल्दी से उसको फ्राई वगैरह कर लिया, जो करते हैं बोटियाँ वगैरह फ्राई वगैरह करके उसको पूरा अच्छी तरह से वो करके रेशा रेशा करके उसके अंदर आप चाहे तो प्याज यूज़ कर लें, चाहे तो गोभी यूज़ कर लें, मैंने यहाँ पर गोभी यूज़ की थी, और फिर आप चाहे तो हरी मिर्ची यूज़ कर लें, चाहे तो आप वो यूज़ कर लें क्या कहते हैं उसको मिर्ची कोई भी यूज़ कर ले, तो मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च यूज़ की थी, और ये बड़े मज़े के बनते हैं, मुझे तो बड़े पसंद आए थे, ये बहुत परफेक्ट बने थे। आप चाहें तो इसके अंदर आप चिकन की बोटियाँ भी रख सकते हैं, और चाहें तो बोटियों को रेशा भी कर सकते हैं। मैं बोटियाँ जो है मैं इसमें नहीं रखती हूँ, मैं वो रोल बनाती हूँ ना सिगार रोल में मैं बोटियाँ रखती हूँ, बाकी तंदूरी चिकन में मैं रेशा कर देती हूँ। तो यहाँ पर क्योंकि बरकत हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, मेरे मुँह से ये सुनना चाहते हैं चलन, ये जल्दी जल्दी से मैं भर रही थी। अब देखिए पट्टियाँ मेरी पूरा महीना चल गया, माशाल्लाह से 8 रोज़े बच गए हैं और मेरी पट्टियाँ अभी तक चल ही रही थी, चली मत इतनी बरकत हो गई थी, मैंने इतनी दफ़ा बांटा और ये दिया उधर दिया, और हम माशाल्लाह से मैं फ्राई करने में मेरा हाथ बहुत ज़्यादा है, मतलब मैं फ्राई 2-2, 3-3 नहीं करती, मैं हम भले ना 2 जा रहे हैं फिर भी मैं 10-12 फ्राई करती हूँ, 12-13-15 हिसाब नहीं मतलब क्योंकि एक एक डिश बनाती हूँ रेगुलरली, कोई 3-3, 4-4, 5-5 डिश ना मुझसे बन पाती है ना मैं बनाती हूँ, अगर बनी भी होती है तो भी मैं कहती हूँ नेक्स्ट डे ये वाली यूज़ कर लूँगी, अगर मैं रोल ज़्यादा बना ली है तो एक दिन ये फ्राई कर लूँ, फिर इसके बीच में कुछ और, फिर वापस से वो रोल रिपीट होते, इस तरीके से मैं करती थी। तो इसके बाद ये बनाने के बाद भी मेरे पास बहुत ज़्यादा पट्टियाँ बच चुकी थी, तो मैंने कहा भी 8 रोज़ हैं तो यूज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी स्पीड पकड़ के मैंने वो ठंडा करने के लिए बैटर बना के उसका तंदूरी चिकन का वो सब कुछ बना के मसाला वगैरह बना के मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया, तक ठंडा हो जाए तब तक मैं दूसरे आटा वाटा गूंद रही थी।
तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी इसको अच्छे तरीके से पैक करती जा रही हूँ। और आपको यकीन माने मैंने इतनी स्पीड लगाई थी कि मेरे पाँव में जो दर्द हुआ था, सो पाँव में मेरे बड़े दर्द रहता है, मैं बड़ी बुढ़ी अम्मा हूँ, मुझे पाँव में बड़ा दर्द रहता है। आपको भी हर व्लॉग में देखा होगा, कभी मैं मेरा को चला रही हूँ, कभी अम्मा को चला रही हूँ, मैं उनके सामने रिक्वेस्ट कर रही हूँ तो मोबाइल दूँगी, लालच देती हूँ, मोबाइल दूँगी, चॉकलेट दूँगी, पाँव पर चढ़ो, ऐसे करती हूँ मैं। अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो नेक्स्ट है पाइन व्हील समोसा। तो यहाँ पर मैंने आलू थोड़ा कम यूज़ किया था। अगर आपको बहुत बड़ा अपना व्हील चाहिए, बिल्कुल पहिया चाहिए ट्रक का, तो कंट्रोल, तो यहाँ अगर आपको आपका बहुत बड़ा पहिया चाहिए तो आपने बहुत मोटी लेयर लगानी है अपने आलू की। तो मुझे इतनी मोटी नहीं लगानी थी, मैंने कहा थोड़ी सी पतली सी लेयर हो, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी तो इस वजह से थोड़ा इसकी शेप मुझे थोड़ी अनबैलेंस लगी, बाकी फ़र्स्ट टाइम था। मुझे हमेशा मैं देखती थी मैं बनाऊँगी, फिर मैंने कहा पता नहीं अच्छी लगेंगी नहीं लगे। ओके, मैं बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत झटपट बन जाते हैं। एक ही रोटी बनाओ उसमें तो कट कट, और कटिंग करने में इसमें बड़ी टेक्निक है, कटिंग आपको बिल्कुल सॉफ्ट ऐसे कि छुरी को ऐसे मारना नहीं है आपने इसके व्हील, और इसके व्हील पे नहीं, इसके उस पे रोल पे, आपने इसको हल्का हल्के हाथों से इसको कट करना है, हल्के हल्के हाथों से कट करना है, ऐसे कट करना है। वो वाला मुहावरा है ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, इस तरीके से इसको आपने, भले इसको आप पर बहुत बड़ा गुस्सा आ रहा हो क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, तो फिर भी आपने बहुत सॉफ्टली इसको कटिंग करना है, और सॉफ्टली कटिंग करेंगे तो पूरा आपका पहिया बन के निकला था। मेरा तो पाइन व्हील नहीं निकला था, मेरा पहिया नहीं बना था गोल, मेरा ट्राइंग व्हील निकला था। सो यहाँ पर ये देखें, मैंने इसके अंदर डाल दिया धनिया, और इसके अंदर मैंने डाल दिया, आप इसका चिकन से भी बना सकते हैं आप इसका, उससे बना, मैंने कहा आलू की कोई डिश नहीं है तो इस वजह से मैंने यहाँ पर आलू यूज़ कर लिए थे। और इसके अंदर मैंने धनिया डाल दिया, गरम मसाला डाल दिया, स्पाइसेस जो आपके घर में यूज़ होते हैं सारे वो स्पाइसेस डाल लें जो हमारे अमूमन यूज़ होते हैं, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च, और ये सारे स्पाइसेस आपने इसको डालने, उसको आपने धीमी आँच पर तल लें, बिल्कुल धीमी आँच पर, जितना आप धीमी आँच पर तलेंगे ना उतना ये क्रिस्पी होकर निकलेंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया कि फ्राई करते हुए मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है क्योंकि बहुत भागन दौड़ी हो गई थी, इस वजह से मैं बता दूँ, इसको आपने मैदे का पेस्ट बनाया ना बिल्कुल पानी जैसा, मैंने पानी जैसा नहीं, मुझे थोड़ा सा थिक लगा मेरा लिए, पानी जैसा होता तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता, आपने बिल्कुल पानी जैसा, लिक्विड ही पानी जैसा बनाना है, और फिर उसके अंदर इसको इसे डिप करना है और फिर फ्राई करना है, बिल्कुल धीमी आँच पर, यकीन माने बहुत अच्छे बनेंगे। क्योंकि देते वक्त मुझे वो अंदाज़ा नहीं हुआ, पर बाद में जो थोड़े बच गए थे ना रोज़े के बाद, मैंने उसको बिल्कुल पानी जैसे बैटर में फ्राई किए और बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छे बनते हैं। जितना आपका बैटर पतला होगा ना इतना आपके अंदर की लेयर नज़र आएंगी, जितना आपका बैटर मोटा होगा ना अंदर की लेयर आपकी ढक जाएंगी, नज़र नहीं आएंगी, एक ये भी टेक्निक है। और जितना पतला होगा ना वो अंदर से अच्छे तरीके से कुक होगा और बिल्कुल कलर निकल के बाहर आएगा। तो यहाँ सारा मैं इसका बैटर जो है उसका समोसों का और पाइन व्हील का, मैं अपने आप अपने पाइन व्हील को ट्राइंग व्हील बोलूँगी क्योंकि ट्राइंगल शेप में बने थे। और फिर इसको मैं अच्छे तरह से, मैंने आटा गूंद के रख दिया था, आटे में मैंने डाली थी अजवाइन और इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, नाम नहीं याद आ रहा, छोड़े, बस आटा मैंने गूंद लिया था, नमक वगैरह डाल के उसके अंदर मैंने अजवाइन डाली थी और कुछ और डाला था, एक और इंग्रेडिएंट मुझे याद नहीं आ रहा, बाकी इसमें वो कोई सोडा कोई चीज़ नहीं डलती, कोई ना यीस्ट वगैरह कुछ भी नहीं डलती, सिंपली आपने आटा गूंद लेना, हाँ दो चम्मच आपने तेल भी ऐड कर देना है गूंदते हुए, जैसे हम पूरियों का आटा कैसे गूंदते हैं वैसे आपने इसको गूंद लेना है। और फिर इसकी बड़ी सी रोटी बना लेनी है, बड़ी सी रोटी बनाने के बाद आपने इसके ऊपर रख देना है क्या रख देना है, आलू की लेयर रख देनी है। आलू की लेयर रखने के बाद आपने क्या करना है, आलू की लेयर रख दी आपने, इसके बाद आपने इसको रोल कर लेना है, अच्छे से रोल कर लेना है, और फिर आपने इसको सॉफ्टली हाथों से कटिंग करना है। अब मैंने जो हार्डली किया है वो भी इसकी शेप भी मैं आपको दिखाऊंगी, जो मैंने सॉफ्टली किया है उसकी शेप भी मैं दिखाऊंगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम बनाए थे, बनाते बनाते टेक्निक आती है यार, बंदे को ऐसे थोड़ी ना आ जाती है उठ के खड़ा हुआ बना लिया, अभी कोई इतना एक्सपर्ट तो नहीं होता है, गलती तो हर इंसान से होती है, तो मुझसे भी गलती हो गई थी, जैसे एक पिज्ज़ा में हुई, फिर इसकी शेप में हुई, वैसे गलतियाँ जब आपको मोस्टली किसी का देना हो, और मैंने बताया वापस से बता रही हूँ, तो आपको गलती तो मस्ट होगी, मस्ट। तो बच्चे भी बड़े तंग कर रहे थे पीछे, और तो ना लड़ रहे थे तंग का मतलब ये होता है लड़ती हैं, टॉम एंड जेरी की तरह लड़ती हैं, ऐसे जैसे मैं और मैं लड़ते हैं टॉम एंड जेरी की तरह, वैसे ये लोग लड़ती हैं, इन्होंने हमसे ही सीखा ये लड़ना, ऐसे लड़ती हैं, मैं इनको देखती हूँ, एक छोटी वाली हुमैर लगती है, बड़ी वाली हुमैर लगती है, बस लड़ रही होती है मस्त अपना।
अपनी इज्जत करवा रही हूँ मैं। अच्छा यहाँ पर देखिए, अब इसको मैं कटिंग करूँगी, और कटिंग कैसे करूँगी आप देखिए, बस ऐसे कटिंग नहीं करनी है। डू नॉट यूज़ दिस काइंड ऑफ टेक्निक। आपने इसको कट, मैंने कहा यार ये क्या हो रही, लेयर क्यों नज़र नहीं आ रही, ये शिट क्या हो गया यार, पूरा ख़राब कर दिया मैंने यार, बनाना ही नहीं चाहिए था मुझे, मैं ऐसे बोल रही थी अपने दिलो दिल में, मनो मन में। फिर मैंने कहा कि यार कुछ तो होगा, फिर मैंने बिल्कुल सॉफ्टली किया, और देखे लेयर निकल के बाहर आई, फिर वापस मैंने सॉफ्टली किया, फिर देखे लेयर निकल के बाहर, मैंने कहा ये चीज़ मुझे चाहिए थी और ये चीज़ हो गई। फिर सोच रही छुरी तेज़ नहीं है, और मैंने कहा मुझे बकरा तो ज़िबा करना नहीं है कि मुझे छुरी तेज़ चाहिए, तो मैंने कहा कि नहीं यार इसकी कोई टेक्निक होगी जोया, कोई टेक्निक होगी। एंड द टेक्निक वॉज डैट कि आपने बिल्कुल सॉफ्टली हाथ से इसको कट करना है, एंड यू कैन सी द रिजल्ट आफ्टर द कटिंग द स्पाइन ट्राइंगल, सॉरी मेरी रेसिपी का नाम ट्राइंगल है, अदरवाइज आप बनाएंगे तो उसको गोल बनाइएगा तो पाइन व्हील हो जाएंगे। अब मेरे एक तो आटा भी मतलब माशाल्लाह से मैंने सख्ती नहीं था इसका, बहुत सख्त होना चाहिए, बहुत सख्त नहीं होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, इतना सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। और फिर मैंने इसको बस, अब ये जो हो गया सो हो गया, पुरानी बातों को याद करके अपने दिल को उदास नहीं करते हैं। अच्छा मैं कहती हूँ कि मेरी रोज़े में परफेक्शन नहीं होती यार, जिसके घर से जो भी आया है ना, मतलब मेरी सास के घर को छोड़ के उनका अच्छा आया था मस्का नहीं लगा रही, मैं सच्ची कह रही हूँ। तो यहाँ जिनके पड़ोस में से जिनके घर में किसी ने चीनी नहीं डाली थी दही भरों में, फीके फीके दही भरों, किसी ने नमक कम डाला था, किसी ने इतना ज़्यादा नमक डाल दिया। मैंने कहा यार सबसे गलती होती है, तो क्यों इतना टेंशन लेती है जोया। मैंने कहा यार फिर आप देखिए अब कैसी टेक्निक आई है मुझे, और कैसे मैं फटाफट झटपट कैसे लेयर्स निकाली, और फिर मेरी गलती गलती मैंने इसमें भी की थी, तो गलती ये हो गई कि मैंने फ्रिज में रख दिया, और फ्रिज का जो फ्रिज मैंने बंद रखती हूँ, तो फ्रिज का जो ऊपर से पानी टप 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 गिर रहा था ना, वो इस पर गिर गया, और फिर वो नरम हो गए, हाँ, और फिर उठाने में प्रॉब्लम हो रही थी। ये इतनी मेहनत करो और मेहनत पे पानी ना गिरे, हो सकता है ऐसा, तो मेरी मेहनत पे पानी गिर गया था। ये सारे देखे मैंने इतने अच्छे तरीके से इसको रेडी कर लिया था, सारे चीज़ हो गई थी, रोल ये पिज्ज़ा वगैरह सब। अच्छा मैंने दही भरे भी बनाए थे और मैंने चाट भी बनाई थी, तो ये मैंने वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि मेरी मोबाइल की स्टोरेज फुल हो गया है, इस वजह से मैंने वो वीडियो नहीं बनाई। और अब ये बर्तन का ढेर देखें, ये सिर्फ ये भी बनाते हुए बनाया, इससे मैंने रात के धो लिए थे, नाश्ते के धो लिए थे, अभी जो बनाया ना उसका ढेर बनाए। अब रोज़ा खोलने के बाद मोबाइल को पता नहीं है ऐसा मैं कितनी दफ़ा बना के बाहर की मतलब बाहर की मतलब बाहर की मतलब बाहर की मतलब, पर उनको वो खुद तो खाते नहीं है, तो मैं अच्छी लगती है मैं इसलिए लिया, तो भाई आप मुझे अच्छी लगती है, मुझे बाहर की नहीं अच्छी लगती है ना, मैं खुद बनाती हूँ मुझे अच्छी लगती है, हाँ सच्ची में। अब ना बच्चे खा रहे थे ना मैं खा रही थी, मैंने कहा पैसे ज़ाया जाएंगे ज़बरदस्ती, तो बस ठूस हो गया, बस इसको ठूस ले तू जल्दी से, भूख भी लगी थी क्योंकि मुझे रात का डिनर नहीं करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।